जी, जैसा कि आपको पता है कि आज राष्ट्रपति जी का प्रयागराज में आगमन है, तो ऐसे में आप लोगों के अंदर कितनी खुशी है भाजपा संगठन में? प्रयागराज आ रहे हैं हमारे राष्ट्रपति, इसलिए हमें सबको बेहद हर्षोल्लास है। और भाजपा टीम बड़े जोर से उनका स्वागत के लिए कल से ही अलर्ट है, तैयार है। और यहाँ आना हमारा एक सौभाग्य है। तो अभी कितना खुशी लग रहा है मन में आपके? अभी आप लोग देखने भी जाएंगे, उनके स्वागत भी करेंगे। खुशी की तो बात है, हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं और चुनाव की जो तैयारियाँ चल रही हैं उसके मद्देनज़र जो विकास के अधूरे काम हैं उनके आने से वो और तेज़ी से बढ़ेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे, सब में काम करने की भावना जगेगी, तो इसलिए तो खुशी तो लग ही रही है। अभी 2022 नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार आपके विधायक भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बीजेपी की पूरी तैयारी तगड़ी चल रही है, मुझे लग रहा है। अरे आप इसे जिम्मेदारी के ये चुनाव के रंग से क्यों देख रहे हैं? 5 साल को दायित्व तो मिला है, तो आप जनता के बीच में जाने के लिए आपके एक प्रथम दृष्टया आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर बैठे तो वोट नहीं मांग सकते ना, आप जाइए उनसे बात करें, उनकी समस्याएं देखिए, उनको हल करने का उपाय देखिए, उसके बाद आप वोट मांगिए, यही परंपरा है। जनता से क्या कहेंगे आज राष्ट्रपति आ रहे हैं? जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके स्वागत में तत्पर होकर आ गए हैं, और एक अच्छा संदेश समाज में जाना चाहिए कि 2022 में किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। तो राष्ट्रपति के आने का एक मूल उद्देश्य तो विकास के अधूरे कार्यों का जायजा लेना है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि आप सोचिए कि एक बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति से लेकर एक बूथ अध्यक्ष तक जनता की सेवा में जिस तरह से तत्पर है, उसी तरह जनता को भी ये देखना होगा कि किस में उनका हित है।